सपा नेता आजम खान की संपत्ति को लेकर हुआ खुलासा। आजम खान, बेटी अब्दुल्ला और पत्नी तंजीन फातिमा के पास कितनी दौलत? चुनावी मैदान में पूरे परिवार की संपत्ति का ब्यौरा आया सामने। क्या जेल जाने की घट गई है आजम खान की हैसियत? देखिए रामपुर के सरताज आजम खान की कमाई का पूरा ब्यौरा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रामपुर सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। वह रामपुर से 9 बार विधायक रह चुके हैं और एक बार राज्यसभा सदस्य भी। मौजूदा समय में भी वह रामपुर से लोकसभा के सांसद हैं। प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद से आजम खान के खिलाफ अब तक कुल 103 मुकदमे दर्ज हुए हैं। फिलहाल वह सीतापुर जेल में बंद हैं और जेल से ही उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा है। नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे में आजम खान ने जानकारी दी है कि उनकी आय 16,27,930 रुपए है, जबकि उनके पास 40,50,000 की अचल संपत्ति है, जिसमें एक रिवॉल्वर, 357 मैग्नम और 30 बोर की राइफल है। अचल संपत्ति में एक वोल्वो कार जिसकी कीमत 52 लाख रुपए है। उनकी कुल अचल संपत्ति 1,42,54,251 रुपए है। वहीं आजम खान की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा के पास कुल 2,86,04,000 रुपए की संपत्ति है, जिसमें एक रिवॉल्वर और एक राइफल भी है। इसके अतिरिक्त एक कार और उनके बैंक में 99 लाख रुपए जमा है। उन्होंने 2016-17 में अपनी राय 22,80,410 रुपए दर्शाई थी। इसके अतिरिक्त उनके पास 42 लाख रुपए की कृषि भूमि भी है। उनके खिलाफ 32 मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को समाजवादी पार्टी ने रामपुर की स्वार विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। अपने नामांकन पत्र में उन्होंने कुल 3,12,00,000 रुपए की संपत्ति दर्शाई है, जिसमें 16 लाख रुपए के उनके बैंक खाते में जमा है। अब्दुल्ला के पास एक 12 बोर की बंदूक भी है। उन्होंने 2016-17 में आयकर विवरणीय दाखिल करते हुए 7,28,000 रुपए की आय घोषित की है। अब्दुल्ला आजम खान पर 43 मुकदमे दर्ज हैं और जो जमानत पर जेल से बाहर है। अब्दुल्ला आजम खान पर 43 मुकदमे दर्ज हैं और वो जमानत पर जेल से बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।